तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः हूँ त्रियोग समारी के नमः हूँ त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह शहडाला नामक ग्रंथ है। छोटा समय सार अनुपम रचना अनुपम सुंदर सुंदर बातें हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक विषय वस्तु यहाँ बतलाई जा रही थी। सम्यक दर्शन की चर्चा कर लेने के उपरांत दौलत राम जी यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। माने दौलत राम जी ये कह रहे हैं कि भाई तुझे ज्ञान की महिमा नहीं आई। और कौन से ज्ञान की महिमा है? सारे दुनिया के ज्ञान की महिमा करता है, लेकिन असली महिमा है अपने आप को जानने वाले ज्ञान की। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ने पहचाना। दौलत राम जी कह रहे हैं कौन सा ज्ञान की ज्यादा महिमा है कि साहब केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की खूब महिमा गाई कल आपने पंडित जी। केवल ज्ञान सारे लोकानों के पदार्थों को जानता है, गजब की महिमा है केवल ज्ञान की। कि सुनो भाई, महिमा केवल ज्ञान की नहीं है, महिमा ज्ञान की है। किताब केवल ज्ञान की नहीं है क्या महिमा? कि सुनो, जब ज्ञान ज्ञान में समा जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। क्या? अपना वर्तमान ज्ञान जब अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, जब ज्ञायक को पहचानता है, तो केवल ज्ञान में बदल जाता है। ये ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान नष्ट होकर केवल ज्ञान हो जाता है। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान नहीं होता। हम सबका ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, हम सबका ज्ञान अल्प ज्ञान है। और धीरे धीरे करके क्या होता है, एक क्षण ऐसा आता है कि क्षयोपशम पना छूट जाता है और क्षायिक ज्ञान माने केवल ज्ञान हमारे आत्मा में प्रकट हो जाता है। ये बड़ा अद्भुत स्वरूप है और सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं। रागी नहीं होते भगवान, रागी नहीं होते, वीतरागी होते हैं, इसलिए जान करके भी अप्रभावित रहते हैं। तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता, हम तो जान जान के दुखी हो रहे हैं। कोरोना की बीमारी का मुझे पता लग जाए और उसके बाद में मुझे तकलीफ होवे, ऐसा एक प्रश्न था किसी का कि ये ज्ञान से दुख नहीं है या अज्ञान से दुख है? दुख का कारण ज्ञान नहीं होता, दुख का कारण मोह होता है, दुख का कारण अज्ञानता होती है। व्यक्ति अपने अज्ञान से दुखी है, व्यक्ति अपने मोह से दुखी है। बताओ, एक व्यक्ति को पता लग गया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दुखी होगा कि नहीं होगा? क्या कहना है आपका? और दुखी होगा ना। तो दुख का कारण है ना कि पिताजी का ज्ञान होना। लोग इस ज्ञान के संदर्भ में इस प्रकार के तर्क देते हैं, ऐसी युक्तियां बतलाते हैं कि सुनो सुनो, परिस्थितियां ऐसी है, हम किसी गांव में चले गए, किसी ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां टेलीफोन नहीं है, जहां हमारे को पता नहीं है, जहां किसी तरह के कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, और हमारे पिताजी की डेथ हो गई, दादाजी की डेथ हो गई, चाचा जी की डेथ हो गई, बेटा मर गया, बराबर। तो बताओ, अब तीन दिन तक यदि हमें पता नहीं लगा और चौथे दिन पता लगा, तो जिस दिन पता लगा उस दिन हमारे को दुख हुआ, और तीन दिन तक पता नहीं था तो दुख नहीं था, दो दिन और पता नहीं लगे तो दो दिन और दुख नहीं हो। सही है ना बात? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बात बराबर है ना? तो इसका मतलब जैसे ही ज्ञान हुआ दुख हुआ। भाई सुन, ज्ञान के साथ साथ में तेरा मोह भी चल रहा है, तुझे ये गलत फहमी हो गई है कि जानने पर दुख हुआ। सही बात तो ये है, उस ज्ञान के साथ में जो तेरा मोह जुड़ा हुआ था वो तेरे दुख का कारण है। यदि वहां मोह नहीं हो मान लो, तो हो सकता है कई ऐसे भी तो दुनिया में हो सकते हैं लोग जो उनके देह विलय देहांत के समाचार को सुनकर प्रसन्न हो, अच्छा हुआ मर गया, रोजाना प्राण पीता था, रोजाना परेशान करता था। तो कहने का मतलब ये है कि दुख का जो हेतु बनता है वो हेतु क्या बनता है? मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। मैंने इस बात को आज बहुत गहराई से देख लिया है कि मेरे जो दुख का कारण है वो मोह दुख का कारण है। जगत का कोई पदार्थ दुख का कारण नहीं होता है,
ज्ञान तो दुख का कारण होता ही नहीं है, ये समझ लो आप। जहां जहां आपको ऐसा फील हो कि जान करके दुख, जान करके दुख, अरे भाई वहां ज्ञान के साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है, मोह जुड़ा हुआ है, मिथ्या मान्यता जुड़ी हुई है, वो दुख का कारण है। ये सब चर्चाएं कल तक आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके थे और आज हम चर्चा आपके बीच में करेंगे कुछ करोड़ों जन्मों तक तप करने वाले लोगों के बारे में। हो दो ऑप्शन है, नंबर वन करोड़ों जन्मों तक करो तपस्या और कहो कि करोड़ों जन्मों तक तपस्या नहीं की, अंतर्मूर्त के लिए किया भेद विज्ञान पूर्वक स्वानुभव। बोलो दो चीज में क्या ज्यादा वजनदार है, क्या ज्यादा वैल्यूएबल है। दौलत राम जी उसकी तुलना करके बतला रहे हैं, यहाँ पर पैरों के नीचे से जमीन घिसक जाए ऐसी बात कह रहे हैं। तपस्या तपस्या तपस्या, तप तप करके हमारे को ऐसा लगता है ओ क्या कठोर तप है, ओ क्या कठोर तप है। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, छंद नंबर है आपके सामने पांच, पांच और छह, इन दो छंदों की हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। इस पांच नंबर के छंद को देखो क्या कह रहे हैं, बोले सब लोग मिलकर के लाइव सुन रहे हैं, सब बोले साथ में। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्त ते सहज टरे ते, मुनि व्रत राज अनंत पार कीमत उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या क्या गहराई है इन लाइनों में, एक झटके से मैंने इतना तप किया, मैंने इतना व्रत किया, कहता है व्यक्ति, गिनाता रहता है। इससे बात करो ना थोड़ी सी तो ऐसी बात कहता है, अरे तुम्हें पता है 25 साल से रात को पानी नहीं पिया है, तुम्हें पता है 27 माला रोजाना फेरता हूँ, तुम्हें मालूम है कितनी पूजाएं रोजाना करता हूँ, तुम्हें मालूम है चटाई पर सोता हूँ मैं पिछले 25 साल से, 27 साल से, 28 साल से, 35 साल से, अष्टमी चतुर्दशी को ये करता हूँ, हरी नहीं खाता हूँ, एकासन करता हूँ, उपवास करता हूँ, उपवास ऐसे करता हूँ कि सप्तमी के दिन एक टाइम, अष्टमी को पूरा उपवास, नौवीं को आधा, एक टाइम ऐसे उपवास करता हूँ मैं, प्रोफेसर उपवास करता हूँ मैं, कितना तप करता हूँ मैं, ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, उपयोग लगाता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, सब बहुत बहुत अपने तप की त्याग की महिमा गाता है। तप शब्द सुनते ही हमें ऐसे लगता है भाई साहब तप तो तप है, भाई साहब तप की क्या बात कर रहे हो आप, तप का मतलब तो बहुत कठोर आचरण है, तप कोई साधारण बात थोड़ी ना है, तप करो, तप करो, तपस्या करो, तपस्या की महिमा समझो, तपस्या तपस्या की बात करो। ये दौलत राम जी ये कह रहे हैं, सुन तूने जिंदगी में कितनी कितनी बार किया होगा ये तप, 5 साल मान ले पूरी जिंदगी में, 50 साल की तेरी जिंदगी है, 10% टाइम तेरा तप में बीता होगा, 50 साल की जिंदगी में 10% माने 5 वर्ष, बस 5 वर्ष का तप। सुन पूरी जिंदगी तप करे, और इतना नहीं दौलत राम जी कह रहे कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म करोड़ों जन्मों तक तू तपस्या करता रहे, लेकिन एक शर्त लगा दी, ज्ञान बिन, बिना ज्ञान। यदि सम्यक ज्ञान के साथ में एक बार भी सच्चा तप कर लिया होता तो तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती, लेकिन ज्ञान तो था नहीं, वेद विज्ञान तो था नहीं, अपने पराये की खबर तो थी नहीं, आत्मा परमात्मा को तो जानता नहीं था, अपने स्वरूप को पहचानता नहीं था, और क्या करता था, तपस्या करता था, तपस्या करता था। बोले एक काम करो, दौलत राम जी यहां कंपेरिजन कर रहे हैं, करोड़ों जन्मों के किए हुए व्रत, उपवास, अणुव्रत, महाव्रत, प्रोषदोपवास और जितने तरह के व्रत हो सकते हैं, दिग व्रत, देश व्रत आदि, सारे व्रतों को इकट्ठा कर लो, प्रतिमाधारी हुआ, ये हुआ, अणुव्रतों को पालन किया, एलक शुल्लक हुआ, सारे करोड़ों जन्मों में आज तक खूब किया हो, सबको इकट्ठा कर लो एक साइड में यहाँ। बोले एक तरफ तो ये कितना वजन हो गया होगा भाई साहब, कितनी पावरफुल चीज होगी है करोड़ों जन्मों का तपश्चरण, और दूसरी तरफ दौलत राम जी कह रहे हैं इधर है सम्यक ज्ञान एक अंतर्मूर्त के लिए। बोलो कौन पावरफुल है, आ जाओ, इतनी तपस्या, इतनी तपस्या, इतना कठोर आचरण, अरे इतना कठोर आचरण कि हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, चमड़ी उतारे पूरी बॉडी पर से, मुनि अवस्था धारण करके कोई बैठे हुए हैं उनके ऊपर से चमड़ी उतार ले हुए और नमक मिर्च डाले ऊपर से, ऐसे कितनी कितनी वेदना होगी, और आंख की कोर तक लाल नहीं हो, क्या आंखें लाल भी नहीं हो, इतनी
इतना कषायों को जिसने बाहर में ऐसा दिख रहा है जैसे पी रखा हो, इतना तप, और दूसरी तरफ अंतर्मूर्त के लिए किया सम्यक ज्ञान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। वर्णी जी का कीर्तन है ये, बड़ी गजब की लाइन है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। अपने लेश मात्र भी नहीं है, निशान मात्र भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। अपने और पराये के भेद विज्ञान की कीमत कितनी है। बोले कोटि जन्म तप तपे ज्ञान, विन कर्म झरे जे। और ज्ञानी के क्षण में, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। और कोई ज्ञानी जीव हो, भेद विज्ञानी जीव हो, अनुभवी जीव हो, आत्मानुभवी जीव हो, अपने पराये को जानने पहचानने वाला जीव हो, तीनों गुप्तियों की एकाग्रता पूर्वक, मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक, मन वचन काय का अवलंबन तोड़ता हुआ अपने आत्मा का ज्ञान करने वाला वो जीव क्षण मात्र में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है जितना अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों में करता है। ज्ञान की कीमत बता रहे, ज्ञान की महिमा बतला रहे, तुलना करके बतला रहे, कंपेरिजन तो करो। किताब कैसी बात कर रहे हो, करोड़ों जन्मों तक तप करने वाले व्यक्ति मिलेंगे कहां आपको? आपने क्या मजाक समझ रखी है क्या? करोड़ों जन्मों तक बातें कर रहे हो आप, करोड़ों जन्म मनुष्यों के, और इतना तप, और फिर भी इतनी सी। सुनो भाई, हम झूठी बात नहीं कह रहे। आगम उठा करके देखो, शास्त्र उठा करके देखो, अरे ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। सुनो भाई, कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, अष्टपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ में कह रहे हैं कि अरे पिछले जन्मों में तू इतनी बार मुनि व्रत को अंगीकार कर चुका है, इतनी बार तूने पीछी कमंडल इकट्ठे किए हैं कि यदि उन पीछी कमंडलों का ढेर लगाया जाए, उन्हें इकट्ठा किया जाए, तो सुमेरु पर्वत जितना बड़ा ढेर खड़ा हो जाए। मैं नहीं कह सकता हूं। कुंद कुंदाचार्य देव का वाक्य है, गाथाएं निकाल निकाल करके बता सकता हूं आपको। अष्टपाहुड़ ग्रंथ की गाथाएं हैं, मूल गाथाओं में कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, एक मुनि होकर के मुनिव्रत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि तूने मुनिव्रत तो अंगीकार कर लिया, तू मुनि तो बन गया और अनंत बार मुनि बना है, और तेरे इतने पीसी कमंडल इकट्ठे हो जाए कि मेरू पर्वत जितना ढेर लग जाए। सुन, दीक्षा लेते समय तूने इतनी माताओं को रुलाया है, जन्म ले लेकर के तूने इतनी माताओं को रुलाया है। जन्म की बात नहीं कर रहे, मनुष्य जन्म तो बहुत हो गया। दीक्षा लेकर के तूने अपनी माओं को इतना रुलाया है कि बेटा जा रहा है दीक्षा लेकर के, अरे बेटा कितना कष्ट पाएगा, बेटा कितना कष्ट पाएगा। उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए, इतनी बार मुनि बनाए। मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे हैं, यहां इस पांचवें छंद की दो लाइनें नीचे की पढ़ करके तो देखो क्या कह रहे हैं। पढ़ो जरा लाइनें वापस क्या कह रहे हैं, ऊपर की दो लाइनों से चर्चा करो वापस क्या कह रहे हैं दौलत राम जी। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान, बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के चिन्ह में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। बस दो ही लाइन है, अब सुनना पहले, दो का अर्थ समझ लो अच्छे से। कोटि माने होता है करोड़, जन्म करोड़ों जन्म ले लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जन्म कौन से होंगे? करोड़ों जन्म जो तुमने लिए हैं, जब तप करने वाले जन्मों की बात कर रहे हैं, तो पता है तप के संदर्भ में आचार्यों ने, ज्ञानियों ने क्या लिखा है? सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करण सुख ठाई। क्या क्या? दस लक्षण धर्म की पूजा है, अभी गई है महावीर जयंती पे, दस लक्षण पूरे हुए हैं उसके अगले दिन। दस लक्षण धर्म की पूजा है, उत्तम तर्म तप धर्म की महिमा बतलाते हुए क्या कह रहे हैं? संयम धर्म की महिमा, तप धर्म की महिमा। सुरग में नहीं है, नरक में नहीं है, पशु गति में नहीं है, ये तप नहीं कर सकते। मनुष्यों में होता है तप, करोड़ों जन्मों तक करे माने मनुष्य बनकर के तप तपे, तप और तपे और ज्ञान के बिना। लेकिन अफसोस ज्ञान नहीं था, अफसोस समझ नहीं थी, अफसोस कि तुम्हारे को ये काम करना कैसे है उसकी नॉलेज नहीं थी। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बहुत कष्ट सह रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं किसी काम के संदर्भ में, और कोई समझदार व्यक्ति आता है, अरे अंकल आपको इतना तो पता नहीं था, लाओ मैं बताता हूँ, ये तो ये ऐसे हो जाता है, ये हो गया। काय का चक्कर है, काय का खेल है, बताओ मेरे को? समझ का खेल है, ज्ञान का खेल है, और लेना देना क्या है? ज्ञान नहीं है, कष्ट उठाता रहेगा, और ज्ञान है तो चुटकियों में काम हो जाएगा। बोलो, ये बच्चों के गेम आते हैं ना इस तरह के, जो सॉल्व करने वाले होते हैं,
जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं। अब बताओ मेरे को क्या है उसमें, खूब कोशिश कर ली, अब ये हो ही नहीं रहा है। और सामने वाला जो लड़का था उसने क्या कहा, अरे अंकल मुझे पता था आप नहीं कर पाऊंगे, लाओ मुझे दो, लाओ दो। और ये हाथ पीछे लिया, ये देखो, अरे ये कैसे कर दिया, समझ आ रही है, करते तुम लोग ऐसा, मैंने हाथ पीछे करके बिना देखे ऐसे दो कड़ियां मुड़ी हुई थी एक दूसरे में फंसी हुई, निकालो कैसे निकालो। अब ये खूब लगा रहा है, जोर लगा रहा है, नहीं कर पा रहा है, खूब कोशिश करने के बावजूद भी। और जिसको नॉलेज है वो चुटकियों में कर देता है। ये ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं, तुमने तप किया, तुमने उपवास किया, तुमने व्रत किया, तुमने इच्छाओं का निरोध किया, तुमने न मालूम क्या क्या ऐसे आचरणों का पालन किया, खूब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कठोर से कठोर आचरण का पालन किया, इतने कठोर आचरण का पालन किया कि उपसर्ग होते रहे, परीक्षाओं को सहते रहे, लेकिन ज्ञान नहीं था, बस अफसोस की बात यह है। ज्ञान के बिना कर्म झरे जे, जो भी कर्म झरते हैं ज्ञानियों के क्षण मात्र में ही, ज्ञानियों के क्षण मात्र में ही त्रिगुप्ती माने मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इनका नाम है त्रिगुप्ती। इन तीनों गुप्तियों से माने मन वचन और काय गुप्ती के माध्यम से सहज टर जाते। मन वचन काय की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, स्वरूप की एकाग्रता। अरे आपको पता नहीं है, आप सामने बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हैं, आपको पता नहीं है इस ज्ञान की महिमा क्या हो रहा है आपके अंदर में। हमें पता है, जिनवाणी के आधार पर, शास्त्र के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि सुनते समय आपके जो कर्म झर रहे हैं वो अलौकिक बात हो रही है। कुछ सम्यक दर्शन के बिना तप सच्चा नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सच्चा नहीं होता। मैं निर्जरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची निर्जरा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी गुण श्रेणी निर्जरा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी समर पूर्वक निर्जरा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं, आपके वर्तमान में भेद विज्ञान के परिणामों की इतनी ताकत है, आपके वर्तमान ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है, वर्तमान के विशुद्ध परिणामों की इतनी गजब की कीमत है कि अंदर में बंधे हुए कर्मों के लेपड़े थपेड़े अनंत कर्म वर्गणा ये जड़ रही है। ऐसे पता है कैसे जड़ रही है, मालूम बेटा कैसे जड़ रही है, ये सुनने मात्र से। क्या ये जो नीचे जाजम बिछी रहती है ना, गलीचा कारपेट जो लगा रहता है, ये इसको उठाओ, महीनों से बिछा हुआ हो, सालों से उठाया नहीं हो, एक दिन उठाया इसको, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, एक दिन उठाया इसको और बाहर ले जा करके इसको झाड़ा ऐसे, क्योंकि विदेश में बहुत लोग सुन रहे हैं, हर देश कंट्री से लोग सुन रहे हैं, माने कम से कम 15 देशों का तो मुझे पता है जहां से लोग सुन रहे हैं, मेरे पास में मैसेज आते रहते हैं, कम से कम 15 देशों के एक एक व्यक्ति मैसेज करते हैं मेरे को, हम लाइव सुन रहे हैं। सुबह तो मेरे को जो सुबह वाला प्रोवेशन चलता है ना, सुबह मेरे को टोरंटो से मुकेश जी ने मैसेज करके बतलाया कि हमारे प्रोवेशन शुरू होता है सुबह 12:45 बजे, रात के 12:45 बजे सुबह वाला प्रोवेशन, और 12:30 बजे तक प्रोवेशन सुन करके सोता हूँ, रोजाना लाइव सुनता हूँ आपका प्रोवेशन। कितने लोग सुन रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के, यहाँ की हिंदुस्तान की दरियों की बात कर रहा हूँ, वहाँ नहीं होती है ऐसी स्थिति, यहाँ का आपने उठाया ये, और उठाने के बाद में बाहर ले जाकर के इसे झड़काया, तो झड़काने पर जो धूल उड़ती है ना, ऐसी धूल अभी आप लोगों के सुनते समय आत्मा से कर्मों की झड़ रही है। ये हो रहा है चमत्कार, समझ में आ रही है बात आपको, ये चमत्कार हो रहा है आपके, इतनी धूल झड़ रही है, ये चमत्कार हो रहा है। और बैठे बैठे सुबह वापस कहूंगा बात, क्योंकि सुबह के प्रकरण में जो अपनी चर्चा चलने वाली है वो कर्मों को कैसे जीतें और पुराने वाले कर्मों पर कैसे विजय प्राप्त करें, और हमने जो बहुत पाप किए हैं उन पापों से कैसे छुटकारा मिले, ये जबरदस्त प्रकरण सुबह के प्रवचन में आने वाला है 9:20 वाले पर। एक बात और कह दूं, अभी इस समय तो नहीं कहने योग्य है, सुबह कहूंगा, क्योंकि किसी का प्रश्न मेरे पास में एक वहां से लॉस एंजल्स से ऐसा प्रश्न आया कि पंडित जी आपके 9:20 का क्या टोटका है। लॉस एंजल्स में रहते हैं अमेरिका में, वहां से मेरे पास में मैसेज आया कि पंडित जी 9:20 ये क्या चक्कर है, क्या हम क्या बताएं आपको, हमारे क्या है टोडरमल जी का मंदिर है ना, जहाँ प्रवचन चलता था लॉकडाउन होने के पहले, रोजाना जहाँ प्रवचन चलता है, उस टोडरमल जी के मंदिर में हमारे सामूहिक पूजा होती है, सब लोग मिल करके करते हैं, और वो पूजन चलती है 9:15 बजे तक, तो 9:15 बजे तक पूजन चलती है, और सहज इस प्रकार का योग बनता है कि 9:15 बजे पूजन खत्म करके सब मंदिर से बाहर निकलते हैं, स्वाध्याय हॉल में आते हैं, बैठते हैं,
व्यवस्था लगाते हैं तो 9:20 पर शुरू कर पाते हैं। तो सहज ही 9:20 हो गया। अब ये बंद होने के बाद में भी पूरी दुनिया में वो लाइव से ऐसा समय फैल गया 9:20 9:20 9:20। तो ये 9:20 का क्या चक्कर है पंडित जी? ये कोई ऐसा है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 करो ये करो, कोई किसी पंडित ने बतलाया हो, कोई मंत्र हो, कोई अरे कुछ नहीं है ऐसा। किसी तरह का कोई भ्रम मत पाल लेना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। समय देख करके काम नहीं किया जाता है। काम ऐसा करो कि समय महान हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? काम ऐसा करो कि दुनिया आपके समय को याद करे। मैं आपसे पूछता हूं, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन बीता है पीछे, कुछ दिनों पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस, बोलो मुहूर्त देख करके महावीर स्वामी का जन्म हुआ था क्या? लेकिन उनका जन्म हुआ तो सारी दुनिया आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को महान मानती है। और शुभ दिन है, शुभ दिन है, शुभ दिन है। क्यों? काम अच्छा हुआ। लोग कोरोना को नहीं 9:20 को याद रखेंगे। बोलो है, लोग कोरोना का नहीं 9:20 को याद रखेंगे। 9:20 ही समय रहेगा हमारा, तो खुल जाने के बाद में भी 9:20 ही समय रहेगा। रात को 8 बजे का ही समय रहेगा जब तक ये चल रहा है। सुनो बात क्या चल रही है अपनी। मैं आपको कुछ विशिष्ट बात कहना चाह रहा हूँ, कुछ अलग हटके बात कहना चाह रहा हूँ, ये समझ लेना आप। ये मंत्र तंत्र का चक्कर नहीं है कुछ भी रंच मात्र भी। मनुष्य जन्म को इन चीजों के पीछे पढ़ करके बर्बाद करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। ये महाभाग्य से हमारे को मनुष्य जीवन मिला है और बहुत दुर्लभता से हमारे को प्राप्त हुआ है। काम ऐसा होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आखा तीज अक्षय तृतीया का दिन, वैशाख शुक्ला तीज का दिन पूरी दुनिया में अबूझ सावे के रूप में माना जाता है, शुभ तिथि मानी जाती है। मैं आपसे पूछता हूं आखिर क्यों, ये बताओ मुझे। आदिनाथ भगवान का आहार हुआ था, आदिनाथ मुनिराज का आहार हुआ था, ऋषभ देव का आहार हुआ था। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, ऋषभ देव ने जो आहार लिया था वो तिथि देख करके लिया था क्या? जिस दिन उनका महान आहार का कार्य संपन्न हुआ वो तिथि पूज्य हो गई, वो तिथि महान हो गई। अरे अमावस्या जो सारे जगत में खोटी तिथि मानी जाती है, और वही कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली तो अमावस्या महान हो गई। बोलो दिवाली का दिन, बोलो काम करें कि नहीं करें? दिवाली के दिन मुहूर्त करें कि नहीं करें? दिवाली का शुभ दिन है कि नहीं है? लोग क्या कहेंगे, अमावस्या? अरे अमावस जाने दो, दीपावली का दिन है, निर्वाण दिवस का दिन है, उत्तम दिन है, ये क्या हो गया? काम अच्छा, काम अच्छा, मुहूर्त नहीं, मुहूर्त देख करके काम नहीं, काम देख करके। अरे मैं जिस दिन सम्यक दर्शन लूंगा उस दिन का मुहूर्त मेरे लिए अच्छा है। जिस दिन मुझे सम्यक ज्ञान होगा वो दिन मेरे लिए अच्छा मुहूर्त है, वो घड़ी मेरे लिए अच्छी है, वो काल मेरे लिए अच्छा है। कौन सा काल अच्छा? जिस घड़ी में काल अच्छा हो, जिस समय में काम अच्छा हो, वो काम, वो समय अच्छा है। ऐसे तो क्या है भाई साहब, करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण किए, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, विवेक नहीं था, अपने पराये का ज्ञान नहीं था, तो क्या किया बोलो? है ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ती ते सहज करे थे, तीन गुप्ती से सहज सहज परिश्रम नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, दिन रात एक नहीं करने पड़ते, उसको सहज हो जाता है काम, सहज हो जाता है। ये ज्ञान का चमत्कार है भाई साहब, टरे टल जाते कर्म, टल जाते हैं आपको ऐसे। ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे, अब नीचे की लाइन है, खतरनाक है थोड़ी, डर लगता है हमारे को। क्या कह रहे हो साहब, गृहस्थ होकर के मुनिराजों की बात कर रहे हो, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हम कुछ नहीं कह रहे हैं महाराज, हम तो ये कह रहे हैं तुम मुनि बनो, तुम सम्यक ज्ञान प्राप्त करके बनो, तुम भेद विज्ञान करके बनो, तुम सम्यक दर्शन पूर्वक बनो, तुम सच्चे मुनि बनो। तुम मुनि बनना सिर्फ खेल मात्र नहीं है, मुनिराज तो बहुत महान होते हैं। हमारे गुरुदेव तो बार बार में ये बात कहते थे, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं, हम तो मुनिराजों के दास हैं, हम तो दिन भर में 50 बार मुनिराजों को वंदन करते हैं, नमो आयनम नमो वज्रायनम नमो लोये सव सावनम कह करके। हमारे हृदय में मुनिराजों की इतनी महिमा है कि पूरे 2.5 द्वीप में 3.9 करोड़ महा मुनिराज जहां जहां विराजमान है सबके चरणों में भावपूर्वक यहां से हम वंदन करते हैं। हम तो मुनि बनने की भावना पाते हैं। बिना मुनि बने मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बिना मुनि बने निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। यदि तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें मुनि बनना ही पड़ेगा, लेकिन
सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ मुनि पद होगा तो सुशोभित होगा, और यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में नहीं होगा तो दौलत राम जी की लाइनें अब पढ़ता हूं, नीचे देखो। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रे व्यक्त उपजायो और पैन जे आत्म ज्ञान बिना। क्या हो गया, क्या हो गया? ये कहता है मैं स्वर्ग में चला जाऊं। आपको मालूम है ये ग्रेव्य क्या है? ये मुनि व्रत धार वो बहुत महान काम हो गया। मुनि व्रत धारण कर लिया है, कितना महान काम हो गया है भाई साहब, साधारण बात नहीं है। मुनि बन जाना साधारण बात नहीं है, कितनी महान बात है आप कल्पना कीजिए। मुनि व्रत धार कितनी बार तू मुनि बना है तुझे अंदाजा है? अनंत बार। क्या हो गया? ग्रेव्यक उपजायो। ऐसी बात नहीं है, वो जो मुनि बना था वो तू कोई गड़बड़ नहीं थी तेरे आचरण में गड़बड़ नहीं थी, व्रतों के पालन में गड़बड़ नहीं थी, 28 मूल गुणों और महाव्रतों के पालन में रंच मात्र भी कमी नहीं थी, क्योंकि यदि कमी होती तो नौवे ग्रेव्यक तक कैसे जाता? समझ में आ रही है बात? क्या है ये ग्रेव्यक? क्या है ग्रेव्यक? क्या होते हैं? तीन लोक का नक्शा देखा है आपने? तीन लोक किस प्रकार के होते हैं? दोनों पैरों को नीचे से फैलाओ और दोनों हाथों को कमर पर रखो। आपने एक ऐसा आकार देखा होगा, दुनिया में उसे जैन प्रतीक के नाम से कहा जाता है। दुनिया में लोग कहते हैं इसका नाम है जैन प्रतीक। ये जैन प्रतीक है, जो तीन लोक का जो आकार है ना उसे जैन प्रतीक कहते हैं। उस जैन प्रतीक में ऊपर से नीचे तक मनुष्याकार हो गए हो तो ग्रीवा के स्थान पर जो बना हुआ है, जो एक स्थान है देवों का, वो है ग्रेव्यक। ग्रीवा माने होता है गर्दन, पूरा लोक का शेप हो गया। और इस शेप में जो इस जगह पर जो पोजीशन बनेगी ना, 16 स्वर्ग से ऊपर है, स्वर्गों से ऊपर की जगह है ग्रेव्यक। गृहस्थ नहीं जा सकता है, कपड़े पहने वाला आदमी नहीं जा सकता है ग्रेव्यकों में। तुम कितना भी पुण्य बांध लो, कितना भी एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, अरे एडी से चोटी तक का जोर क्या, मैं कह रहा हूं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लो। ध्यान देना, घबराना नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और कुर्ता पजामा पहने हुए है, पैंट शर्ट पहने हुए है, कपड़े पहने हुए है, बोले 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। एलक शुल्लक हो गया, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। आर्य का के व्रत अंगीकार कर लिए, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि कपड़े वालों के स्वर्ग में जाने की लिमिट 16 स्वर्गों तक है, कपड़े पहने। और कपड़े उतारने के बाद 28 मूल गुणों का पालन करते हुए सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना वाले भी बोले नौवे ग्रेव्यक तक चले गए। लेकिन ग्रेव्यकों तक चले गए तो क्या हो गया? तुम्हें लगता है स्वर्ग में सुख, हर चीज में जहां देखो वहां स्वर्ग के सुख बातें करते रहते हो। क्यों भाई आर्य, कैसा लग रहा है? अरे स्वर्ग जैसा मजा आ रहा है, यहाँ तो नाना के यहाँ स्वर्ग जैसा लग रहा है। अच्छा स्वर्ग जैसा लग रहा है, किसी चीज की तुलना करे। क्यों साहब, कैसे लगे आपको रसगुल्ले? अरे क्या मजा आ गया साहब, क्या कश्मीर कैसा लगा, हिंदुस्तान का स्वर्ग है। बातों में कहता है स्वर्ग, उपमाएं देते हुए कहता है स्वर्ग है साहब, यहाँ यहाँ तो स्वर्ग लग रहा है हमारे को, स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही है। तुझे पता है स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में सुख कितना है तुझे पता है? कितना आनंद है उस स्वर्ग अवस्था में। ये कह रहे हैं 16 स्वर्ग तो छोड़ो, स्वर्गों से ऊपर चला गया पहला ग्रेव्यक, दूसरा ग्रेव्यक, तीसरा ग्रेव्यक। जैसे स्वर्ग 16 है उस तरह से ग्रेव्यक 9 है, 9 ग्रेव्यक है। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेव्यकों में अनंत बार जाकर के जन्म लिया, इसका मतलब मुनि बनकर के अनंत बार ग्रेव्यकों के अंदर गया। सुखी तो बहुत हुआ होगा ना, मजा तो बहुत आया होगा। वहां अहमिंद्र बन करके गया था। सुने, आयु पूरी हो जाने के बाद में लौटाओ बेटा, लौटाओ नीचे। समझ में आ रही है बात? आयु पूरी हो जाए तो लौट करके चले आना पड़ेगा तुम्हारे को। कितने दिन रहोगे वहां? समय तो सबका पूरा होता है। स्वर्ग में चला गया, ग्रेव्यकों में चला गया, जीवन पूरा हो गया, और जीवन पूरा हो जाने के बाद में लौट करके वापस नीचे आ गया। सोच, जीवन पूरा हो गया, लौट करके नीचे आ गया, मनुष्य बन गया, फिर मनुष्य बन करके त्रियंचों में चला गया, नरक में चला गया, निगोद में चला गया, काल भटकता रहा।
फिर कभी चांस मिला और मनुष्य बना और मुनि बना और मुनि बनकर के ग्रेवेको में चला गया। ये दौलत राम जी की लाइन है, थोड़े से हृदय को झकझोर देने वाली दिखाई दे रही है। भाई साहब सुनो 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 क्या कह रहे हैं। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रेवेक उपजायो पे, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। ओहो मैं क्या बताऊं आपको, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला, अंश मात्र भी सुख, लेश मात्र सुख नहीं मिला भाई साहब। ठीक है, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। रोते हैं वो लोग, तड़पते हैं वो लोग जब उनको दिखाई देता है कि वहां से हम निकल करके यहां आने वाले। ग्रेवेकों के जीव यद्यपि वहां से मरकर के नियम से मनुष्य बनते हैं, क्या ग्रेवेकों के जीव वो उनके लिए त्रियंच एकेंद्रीय दशा नहीं है। हाँ, निगोद में जाने वाले, एकेंद्रीय में जाने वाले जो देव होते हैं वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव और पहले और दूसरे स्वर्ग के देव, बस वही जा सकते हैं एकेंद्रीय दशा में। और बाकी जितने भी देव होते हैं उससे ऊपर, दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाले, वे सैनी पंचेंद्रीय होते हैं। और ग्रेवेकों वालों के लिए तो नियम है मनुष्य ही होते हैं, मर करके, मर करके तो मनुष्य बनेगा। लेकिन सुख कितना मिला, ये कह रहे हैं निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मैं आपसे पूछ रहा हूं तकलीफ कितनी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं भोजन के अंदर तकलीफ है क्या, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। ये कहता है रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी हमारे को मिली हुई है। अरे फैसिलिटी तेरे को सारी मिली हुई है लेकिन उसके बावजूद भी सुख नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाहर में इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, लेकिन सुख बाहर में नहीं है, सुख अंदर ज्ञान से मिलेगा, आत्मज्ञान से मिलेगा। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। अपने भीतर देख, सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, अरे फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियां है ना, सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है तू क्यों भयंकर, भाव मरण प्रवाह में चक चूर है। सुख प्राप्ति है तू लगा है दिन रात एक कर रहा है, सुखी हो जाऊंगा, अब सुखी हो जाऊंगा, अब सुखी हो जाऊंगा, प्रयत्न चल रहे हैं इसके। ये मुनि क्यों बना था, सुखी होने के लिए। ग्रेवेको में चला गया था सुखी होने के लिए, स्वर्गों में चला गया, भोग विलासिता को खूब भोगा, सुख मिला होगा। आत्म ज्ञान नहीं था भैया, निज आत्म ज्ञान बिना, निज आत्मा के ज्ञान के बिना। देखो ज्ञान का भी शर्त लगा दी है यहाँ पे, ज्ञान बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़ाया है तूने आज तक। आज तक ऐसी बात नहीं है कि तुझे ज्ञान नहीं रहा हो। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो बतलाना बीच में। मैंने ये जो तुम सोचते हो ना इस प्रकार की कोई बात, तुम्हें ऐसा लगता है ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। अरे ज्ञान भी आत्म ज्ञान चाहिए भाई साहब, शास्त्र ज्ञान नहीं काम करेगा, लौकिक ज्ञान तो काम करेगा ही नहीं, बिजनेस का ज्ञान तो काम करेगा ही नहीं। खूब बिजनेस का ज्ञान था, खूब व्यापार रोजगार का ज्ञान था, दुनियादारी का ज्ञान था, इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, डॉक्टर था, बड़े बड़े मैंने ऐसे ऐसे पदों के ऊपर जिनके ज्ञान को सुनते ही आप इतना ज्ञान, जीरो है जीरो। वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है, सबको जानता है, अपने आप को जानता है क्या, बोल। सारी दुनिया को जानता है तू, अपने आप को जानता है क्या, तुझे अपने आत्मा की खबर है क्या, अपने आप की खबर है क्या। अरे जिसे अपने आप की खबर नहीं है उसमें क्या दम है, हम क्या बताएं क्या। जिसे आत्मा की खबर नहीं है, जिसे अपने आप की खबर नहीं है, उसका ज्ञान क्या ज्ञान है बताओ मेरे को, कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है जिसे, तुम्हारे को अकल नहीं है तुम्हारे को, तुम कह रहे हो ज्ञान ज्ञान। ये कह रहे हैं मैं सिद्ध कर सकता हूं इस बात को, सुख लेश न पायो इस बात को भी सिद्ध कर सकता हूं, और मैं इस बात को भी आपके सामने प्रूव करके बतला सकता हूं कि अनंत बार ग्रेवेको में गया है, अनंत बार ग्रेवेको में गया है। मैं प्रूव करके बतला सकता हूं इस बात को। आप कहेंगे साहब आसान काम थोड़ी ना है, क्योंकि आप कह रहे हो मुनि बनकर के जाता है और मुनि बनने के लिए मनुष्य बनना जरूरी होता है, और मनुष्य बनने के लिए शर्त हमारे को पता है कि एक जीव को 48 भाव मिलते हैं, 24 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, ऐसी चर्चाएं बहुत चलती है, बोलो। तब तुम कह रहे हो अनंत बार, इसका मतलब अनंत बार मनुष्य बना होगा ना पहले, अनंत बार मनुष्य भी बना होगा, समझ रहे हैं आप, अनंत बार मनुष्य भी बना, और हर बार तो मुनि नहीं बना होगा।
जितनी बार मनुष्य बना होगा उसके हजार लाख करोड़ों अरबे अरबवे बार बाग में एक बार कभी कोई मुनि बना होगा, और जितनी बार मुनि बना होगा हर बार ग्रेवेक में नहीं गया होगा। बोलो, अब तुम कह रहे हो अनंत बार ग्रेवेक गया, इसका मतलब मुनि कितनी बार बना, और मुनि इतनी बार बना तो मनुष्य कितनी बार बना, और मनुष्य इतनी बार बना, ये बात कैसे बैठेगी? ये बात हमारे कुछ गले नहीं उतर रही है। तुम समझाते तो जा रहे हो, तुम कह रहे हो तो मान लेंगे, पंडित जी कह रहे हैं तो मान लेंगे हम बात को, हम क्या कहें, गले तो नहीं उतर रही। सुन भैया, तुझे पता नहीं काल अनंत है, फास्ट अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है काल पीछे का, पास्ट काल अनंत काल है। और एक जीव त्रस पर्याय की प्राप्ति के बाद जब वापस निगोध में चला जाता है, एक इंद्री में चला जाता है, तो निकलने के बाद इसे पुनः इस प्रकार का चांस मिलता है कि जिसमें वो मनुष्यों के भाव धारण करे। मैं एक अलग तरह के तर्क के माध्यम से आपको इस बात को समझाना चाहता हूं। सुनो थोड़ा सा, आपने पंच परावर्तन सुने क्या? पंच परावर्तनों की चर्चा पड़ी है आपने कभी, सुनी है? हमारे YouTube पर हैं कुछ प्रवचन पंच परावर्तनों के बारे में, क्या वो सुनना जरा, पंच परावर्तनों का स्वरूप क्या है। उनमें एक परावर्तन का नाम है भव परावर्तन। क्या शब्द दे रहा हूं, बहुत सारे नए लोग हैं, सोचना जरा क्या कह रहा हूं। भव, भव परावर्तन। एक होता है द्रव्य परावर्तन, एक होता है क्षेत्र परावर्तन, एक होता है काल परावर्तन, एक होता है भव परावर्तन, और एक होता है भाव परावर्तन। मैं परावर्तन नहीं समझाऊंगा अभी, मुझे लग रहा है कि परावर्तनों की चर्चा को छेड़ूं तो समय चाहिए थोड़ा सा समझाने के लिए। मैंने आज यहाँ हेडिंग दी है कौन सा, पांचवा और छठा छंद, और मुझे लग रहा है कि पांचवे में चर्चा पूरी हो रही, छठे छंद में मुझे चर्चा करनी थी कुछ मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में। मुझे तो चर्चा करनी थी कि ये मनुष्य जन्म एक बार चले जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, ये चर्चा करनी थी, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा है कि मैं ये चर्चा आज कर पाऊंगा। ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता और हम जिस जगह पर आकर के बैठ गए हैं, इसकी महिमा की चर्चा, इसकी वैल्यू की चर्चा, इसकी चर्चा शायद कल ही होने का योग आया होगा, क्या पता। अभी तो ग्रेवेक की बात सुनो, तुम क्या कह रहे हैं। मुनि व्रत धारण अनंत, अनंत अनंत क्या होता है पंडित जी, एक बात बताओ, अनंत क्या होता है, अनंत किसे कहते हैं? अनंत माने होता है जो केवल ज्ञान का ही विषय हो, जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से जिन संख्याओं को जाना जाता है वे सब संख्या कहलाती है, काउंटेबल कहलाती है, ठीक है। और अवधि और मने पर यह ज्ञान जिसे जाने, और मति श्रुति ज्ञान जिसे नहीं जाने, वो क्या कहलाता है, असंख्यात कहलाता है। और अवधि और मने पर यह ज्ञान जिस लिमिट तक जानते हैं, और फिर अवधि और मने पर यह ज्ञान, कल हमने जिनकी बात की थी आपके पास में, वो अवधि और मने पर यह ज्ञान का कंप्यूटर जहाँ फेल हो जाता है और कहे अब हम नहीं जान सकते, अब तो केवल ज्ञानी ही जान सकता है, उसका नाम है अनंत। मति श्रुत अवधि और मने पर यह ज्ञान नहीं जान सके और सिर्फ केवल ज्ञान जान सके, उसका नाम है अनंत। मैं आपको उस अनंत भवों की बात बतलाता हूं। भव परावर्तन कैसे पूरा होता है, भव परावर्तन किसे कहें हम, भव परावर्तन क्या, भव परावर्तन किस प्रकार कहें अपन, समझ में आ रही है क्या कुछ बात, क्या क्या होता है भव परावर्तन? कि देखो, देव भव परावर्तन की बात करो, भव चार है, मनुष्य त्रियंश देव नार की, चार भव है। इन चार भवों में से देव भव परावर्तन की चर्चा करो, कितने भव इसने देव के बिताए हैं, कितने भव देव के बिताए हैं। देव गति के जीवों की मिनिमम आयु क्या कहा, देव गति के जीवों की मिनिमम आयु से ले, मिनिमम आयु जितनी है 10,000 वर्ष है। उस 10,000 वर्ष की देवों की आयु को लेकर 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु वाला देव बने, क्या समझ में आ रही है क्या कोई बात। 10,000 वर्ष की जितनी आयु है, उस 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, वो जितने समय है 10,000 वर्ष की आयु में, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पैदा होवे वहां स्वर्ग में, कहीं ख्याल में आई कुछ बात। आगे बढ़ो जरा, फिर क्या होगा, बोले फिर 10,000 वर्ष और एक समय की आयु लेकर के देव बने, 10,000 वर्ष दो समय की आयु लेकर के देव बने, 10,000 वर्ष तीन समय की आयु लेकर के देव बने, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष एक मिनट, 10,000 वर्ष पांच मिनट,
10,000 वर्ष 1 घंटा, 10,000 वर्ष 1 दिन, ऐसे एक एक समय बढ़ाना है। फिर 11,000 वर्ष 12,000 वर्ष 13,000 वर्ष 15,000 वर्ष, हर आयु को लेकर देव गति में जन्मे तो देव भाव परावर्तन होता है। कहाँ तक की बात करना है? 31 सागर तक की आयु वाले देवों की बात करना है। 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर तक। मेरी बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनने का प्रयास करना, कुछ अलग हटके बात कहना चाह रहा हूं, कुछ नई बात कहना चाह रहा हूं, कुछ आपको 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 समझ में आएगी बात, आपको समझ में आएगा कि हम कितनी बार देव बन चुके हैं। अभी देखिए, इन देवों में 16 स्वर्ग के देव की आयु होती है 22 सागर, उत्कृष्ट आयु। 16वें स्वर्ग के देव की मैक्सिमम आयु 22 सागर की होती है। मेहरबानी करके इतना मत पूछना सागर क्या चीज है, सागर तो सागर ही होता है, क्या बताएं आपको सागर के बारे में। एक सागर में असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, इतना बड़ा है सागर, क्या इतना बड़ा सागर है, असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं। देव गति के जीवों में 22 सागर की आयु तक कहां पहुंच गए, 16वें स्वर्ग में। अब 16वें स्वर्ग का कोई देव, उससे ऊपर जाना है, इसका मतलब 16 स्वर्ग से एक समय ज्यादा आयु लेकर के जाएगा। 9वें ग्रहवेक के जीव की उत्कृष्ट आयु होती है 31 सागर, तो 22 सागर से लेकर 31 सागर, समझना आप, थोड़ी थोड़ा उपयोग लगाना क्या कह रहा हूं मैं, बात क्या कह रहा हूं। 16 सागर से लेकर 31 सागर तक की आयु, कितने सागर हो गए बीच में, 9 सागर हो गए ना, 22 सागर प्लस एक समय होगा तो ग्रेवेक में जाएगा, 22 सागर दो समय होगा तो ग्रेवेक में गया, 22 सागर तीन समय, 22 सागर चार समय, 22 सागर एक मिनट, 22 सागर पांच मिनट, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक, 31 सागर तक। कितने सागर हो गए बीच में, 9 सागर, मतलब समझ में आया क्या कुछ। 9 सागर में जितने समय होंगे, ध्यान देना, 9 सागर में जितने समय होंगे, समय कितना बड़ा होता है समय, आप जानते हैं, आपकी आंखों की पलकें झपकने में असंख्यात समय बीत जाता है, 1 सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। अरे इतना बारीक कैलकुलेशन केवल ज्ञानियों के ज्ञान में, सर्व के भगवान की वाणी में, जिनवाणी में आया है कि जिनवाणी ये बात कहती है, 1 सेकंड में संख्यात 1,000 कोड़ा कोड़ी आवलिया होती है, 1 सेकंड में संख्यात 1,000 कोड़ा कोड़ी आवलिया, और एक आवली में 4थे नंबर का असंख्यात इतने समय होते हैं, बोलो, जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। अब समझ में आ रही है, कुछ भाव भाषण हो रहा है आपको, क्या है, 9 सागर में जितने समय होंगे, हर समय कितने समय होंगे, उतनी बार जब तक तू ग्रेवेक में नहीं गया, जब तक तू मुनि बनकर के ग्रेवेक में नहीं गया, तब तक तेरा देव भाव परावर्तन पूरा नहीं होगा। और परावर्तन अनंत बार किए हैं तूने, ये तो आगम कह रहे, अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं, अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं तूने, सोच, ये तत्व ज्ञान नहीं मिला, भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना, तूने कितना काल व्यतीत किया है। मैं अभी पंच परावर्तन और दुख तुम्हारे को नहीं सुनाने जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ उस बात का अंदाजा लगाने के लिए कह रहा हूं कि 9 ग्रेवेक जितने टाइम पीरियड के काल में जितने समय हैं, उतनी बार तू मिनिमम से मिनिमम ग्रेवेक में जाए, तब जाकर के तेरा देव भाव परावर्तन पूरा होगा। ये पंच परावर्तनों में एक भाव परावर्तन नाम का परावर्तन तब जाकर के पूरा होगा। तो क्या बात कर रहे हो आप, झूठी बात कह रहे हैं क्या, सच्ची बात है। और ये एक जगह पर नहीं लिखी है दौलत राम जी ने, आगे दिखाऊं आपको कहां लिखी है, आगे लिखी है उन्होंने 5वीं ढाल में, क्या, अंतिम ग्रेवेकलों की हद पायो अनंत विरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधु, 14 नंबर का छंदेश है 5वीं ढाल का, आगे आएगा। 5वीं ढाल में जब पहुंचेंगे ना वहां, तब थोड़ी बहुत पुनः चर्चा करूंगा मैं उसके बाद में इस दुर्लभता के बारे में, कुछ लाइनें समझ में आई क्या, सुख लेश नहीं, अरे यार ये क्या हो गया, मैं धन के पीछे जा रहा हूं, मैं पैसे के पीछे जा रहा हूं, मैं संपत्ति के पीछे दौड़े जा रहा हूं, मैं घर बार में मकान को जोड़ने में लगा हुआ हूं, जोड़ने में इतना मशगूल है कि भोगने की इसे फुर्सत ही नहीं है, और जोड़ने और भोगने के चक्कर में ये सच्चे सुख को पहचान नहीं पा रहा है कि वास्तव में सच्चा सुख क्या है।
इंद्रिय सुखों को सुख मान करके उसके पीछे दौड़ता रहता है और आत्मा के अतिंद्रिय सुख की इसे खबर नहीं है। अंदर में आत्मज्ञान की इसे खबर नहीं है, आत्मा के आनंद की इसे खबर नहीं है। अंदर का आनंद कैसा आनंद होता होगा, आपको थोड़ा सा सैंपल दूं मैं उस आनंद के बारे में। वो अंदर का आनंद किस प्रकार का होता होगा, हमारे जो मुनिराज होते हैं ना मुनिराज, उन मुनिराजों के संदर्भ में देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला में जुगल जी बाबूजी ने पंक्तियां लिखी है। अभी वर्तमान समय में सब मुनि संघों के अंदर बोली जाती है वो पंक्तियां। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। क्या क्या सुख है वो, हे गुरुवर शाश्वत सुख, परमानेंट सुख, सच्चे सुख को बतलाने वाला ये तुम्हारा नग्न स्वरूप। हे मुनिराजों, आपके इस बाहर में नग्न दिगंबर स्वरूप को देखकर जगत के जीवों को पता लगता है सुख नहीं विषय भोगों में है। जिनके पास में सब कुछ है वे दुखी है, और जिनके पास में कुछ नहीं है हमारे वे महाराज वे सुखी है। मुनिराज भोगते सुख की खान, क्या चीज है उनके पास में, ऐसा क्या मिल गया है कि महलों में तकलीफ होती है, क्या महलों में कष्ट भोग रहे हैं और जंगलों में आनंद आ रहा है। जेवर पहनते हुए, सोना चांदी लदे हुए, मुकुट पहनते हुए, रत्न रत्नों से लदे हुए, उसमें तकलीफ महसूस हो रही है और नग्न दिगंबर मुद्रा में आनंद का उपभोग कर रहे हैं। ये क्या मिल गया है उनको, ये तो बताओ क्या मिल गया है उन मुनिराजों को। कुछ तो बात है भाई साहब, कुछ तो ऐसी चीज है जो उनकी आंखों से दिखाई दे रही है और हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी बात है जो चरम चक्षु पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये अंदर की बात है भाई साहब, ये बाहर के चरम चक्षुओं से पकड़ में नहीं आएगी, ये अंदर की चीज है। क्या तुम पकड़ने की कोशिश करो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अंदर का आनंद क्या होता है, जब अंदर में अतिंद्रिय आनंद का स्वाद आता है तो जगत के सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, इंद्रियों के भोग कष्टप्रद लगने लगते हैं, उनमें दुख की अनुभूति होने लगती है, उनमें पीड़ा की अनुभूति होने लगती है, ये सारा जगत घर गृहस्थी विषय भोग सब जंजाल लगने लगते हैं। वो आनंद की अनुभूति कुछ विशेष प्रकार की है, कोई विलक्षण प्रकार की अनुभूति है। कह रहे उस आत्म की अनुभूति तो नहीं हुई और बाहर में सब कुछ मिल गया। बोलो, पहले स्वर्ग का सौधर्म इंद्र, सुनो चक्रवर्ती की संपदा सुनी है आपने, चक्रवर्ती की संपदा से एक चक्रवर्ती नहीं 10,000 चक्रवर्तियों की संपदा के बराबर और उसके वैभव और पावर के बराबर पावर होती है एक व्यंतर में, और असंख्यात व्यंतरों बराबर ताकत होती है एक वैमानिक देवों के स्वर्ग के इंद्रों में। मैं स्टेप बहुत कट कर रहा हूं, डायरेक्ट पहुंच रहा हूं। सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र सबसे छोटा इंद्र है, बढ़ते बढ़ते चले जाओ 16वें स्वर्ग तक और उससे ऊपर चले जाओ अहम इंद्रों में। क्या दशा होगी अहम इंद्रों की, अहम इंद्रों में भी सुखी है कौन, ग्रहवेकों में भी सुखी है कौन, आत्म ज्ञान वाले। ऐसा नहीं है कि ग्रहवेकों में सुखी नहीं, ऐसा नहीं कि 16 स्वर्गों में सुखी नहीं, जिन्हें आत्म ज्ञान है वो कहीं भी चले जाए सुखी है, और जिसे आत्म ज्ञान नहीं है उसे सोने के पलने में रत्नों को जड़ करके और गोल्ड और डायमंड की ऐसी डोरियां लगा करके पलने में झुलाओ, क्या शांति नहीं, रत्नों से ऐसे तोलो उसको, ओ मजा आ रहा है मेरे को रत्नों से तोला जा रहा है कि सुन भैया शांति नहीं है। ये कह रहे थे बाहर में शांति नहीं है अंदर में शांति है, इसलिए कह दिया दौलत राम जी की लाइन है, झकझोर देने वाली लाइन है भाई साहब। एक एक शब्द ऐसा है, एक एक श्लोक ऐसा है, रट जाना चाहिए याद करना, ये नहीं आगे वाला भी याद करना, पूरी छेड़ाला याद करना, प्रेरणा देना, बच्चों को याद कराना, क्षेत्रोपशम बढ़ेगा उससे ज्ञानावरणी कर्म का, ज्ञान विशेष होगा, अपने आप ज्ञान के रास्ते खुलते चले जाएंगे, अंतरोन्मुखी होने के रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप सुनते रहिए, आप समझते रहिए, आप लगे रहिए, आपको यदि बात अच्छी लगती है तो आप और लोगों को भी इस मार्ग में लगाते रहिए और उनको भी ये रास्ता दिखाते रहिए। ये ऐसी चीज हमारे को मिल गई है। वापस एक बार इस छंद को बोल करके बात को पूरी करते हैं। हम लोग वापस मिलेंगे आपसे कल रात को 8 बजे छेड़ाला की क्लास में और सुबह 9:20 पे मोक्ष मार्ग प्रकाशित की क्लास में। 5 नंबर का छंद दोबारा बोले, गुनगुनाते रहें, रात को सोते समय गुनगुनाएं। हमें काम क्या करना है, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, अपने पराये का ज्ञान करो, निज पर का भेद विज्ञान करो। 4 लाइनें बोल करके संपन्न करते हैं।
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त ते सहज डरे ते मुनि व्रत धारे अनंत बार के मकुप जायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुझे मालूम है प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, तो करें क्या साहब, ये बताओ आप करें क्या, कुछ तो बताओ। तो फिर कहते हैं आगे वाले छंद में कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें क्या करना चाहिए, ये विधि और ये रास्ता अगले छंद में बतलाया गया है। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रश्नों के उत्तर कल की क्लास में दूंगा यदि किसी के कोई विशेष प्रश्न होंगे तो, लेकिन शुरू होते ही मैं 8 बजे प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दूंगा।